हेलो एवरीवन, आज हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में यूनिट 3 पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शंस ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। इससे पहले हम लोगों ने दो यूनिट पढ़ रखे हैं, जिसमें पहला यूनिट था आपका बिल्डिंग मटेरियल का, बिल्डिंग कंपोनेंट एंड इट्स स्ट्रक्चर। सेकेंड था आपका कंस्ट्रक्शंस ऑफ सब स्ट्रक्चर। फर्स्ट वाले में हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ाई की थी। सेकेंड में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शंस ऑफ सब स्ट्रक्चर पढ़े थे, जो कि बिल्डिंग बनाने में या अदर स्ट्रक्चर में आपके कौन कौन से फाउंडेशंस वगैरह बनाने होते थे वो सब पढ़ाई किए थे। आज आपका है कंस्ट्रक्शंस ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, जहाँ से आपका बिल्डिंग का सारा पोर्शन दिखाई देता है, अर्थ सरफेस से एवं सारे पोर्शन आपके सुपर स्ट्रक्चर कहलाते हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे स्टोन मेजनरी। स्टोन मेजनरी में हम लोग जानेंगे कि अब जो आपका बिल्डिंग तैयार हो रहा है उसका मेजनरी किस टाइप से हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्टोन मेसनरी। सबसे पहले हम स्टोन मेसनरी के बारे में जानेंगे कि स्टोन मेसनरी क्या होता है। यहाँ आपको दिया हुआ है डिफिनेशन में, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन बॉन्डेड टुगेदर विथ मोर्टार इज टर्म्ड एज स्टोन मेसनरी, वेयर द क्लियरेंस अवेलेबल एज एविडेंस इन ऑन कटिंग एंड ड्रेसिंग इट द प्रॉपर शेप, दे प्रोवाइड एन इकोनॉमिकल मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस बिल्डिंग कंपोनेंट्स सच एज वॉल्स, कॉलम, फुटिंग इट्स एक्स्ट्रा। कहता है स्टोन मेजनरी क्या है, आपका कंस्ट्रक्शंस में यूज होता है जब हम लोग क्या करते हैं, स्टोन को बॉन्ड करते हैं किसके साथ, मोर्टार के साथ। जब आपका स्टोन और मोर्टार का क्या होगा, बॉन्ड बनाएंगे, जब किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कर रहे हैं तब ये आपका स्टोन मेसनरी कहलाएगा, ये टर्म आपका स्टोन मेसनरी कहलाएगा। जैसे इसका आपका कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो बिल्डिंग कंपोनेंट्स के वॉल्स में, दीवार पे, कॉलम में और फुटिंग में इट्स एक्स्ट्रा। ये स्टोन मेसनरी जो है आपका डायरेक्ट नहीं होता है। हम लोग स्टोन जो इसमें यूज करेंगे इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर कटिंग करेंगे, उसको अच्छे से एक प्रॉपर शेप में लाएंगे और उसके बाद इसका हम लोग यूज करेंगे। हम लोग को पता है कि स्टोन हमारा कहाँ से मिलता है, स्टोन आपका क्या है, रॉक से फॉर्म होता है। तो जब इसकी क्वेरी होती है यानी खनन होती है तब ये अपने प्रॉपर शेप एंड साइज में नहीं होता है। इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, इसका ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है, इसका कटिंग करते हैं, उसके बाद इसको एक प्रॉपर शेप एंड साइज में लाते हैं। उसके बाद हम लोग स्टोन का मोर्टार के साथ क्या करते हैं, इसका बॉन्ड बनाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये आपका स्टोन मेसनरी का टर्म कहलाता है। अब इसी में आपका एक जो टर्म आता है वो है फेसिंग। फेसिंग क्या होता है, फेसिंग से पहले हम लोग जानेंगे कि फेस क्या होता है। फेस क्या होता है, वैसा वॉल जो आपका क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आए, ठीक है, वो आपका फेसिंग कहलाता है। जैसे आपका ये वाला पोर्शन जो बाहर की ओर दिख रहा है, ये क्या है, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो ये आपका फेस कहलाएगा। इसी फेस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल का यूज करते हैं, तो वही मटेरियल आपका क्या कहलाएगा, फेसिंग। द एक्सटीरियर ऑफ वॉल मतलब दीवार का बाहरी एक्सपोज टू वेदर इज नॉन एज फेस। कहता है कि वेदर मतलब हो गया आपका कि आप जो वॉल बनाते हैं, आपका बाहरी दीवार जो मौसम के कांटेक्ट में है वो आपका फेस कहलाता है। द मटेरियल यूज इन द फेस ऑफ द वॉल, जो मटेरियल हम इस वॉल को बनाने में, फेस जो आपका बन रहा है वॉल का, उसको बनाने में जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेसिंग बोलते हैं। मैंने यहाँ आपको पहले ही बता दिया कि फेस क्या हो गया आपका, ये जो आपका मौसम के कॉन्टैक्ट में आपका वॉल आ रहा है
ये फेस कहला रहा है, लेकिन इस फेस को बनाने में जो आपका मटेरियल यूज कर हो रहा है यही आपका क्या कहला रहा है, फेसिंग कहला रहा है। सेम इसी तरीके से आपका बैकिंग आता है, बैकिंग क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है फेस का, इसके जो पीछे वाला पोर्शन है जो आपका क्या है, वेदर के कॉन्टैक्ट में नहीं है, मौसम के कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, बैक कहलाएगा। और इसके यूज होने वाले मटेरियल बैकिंग कहलाएगा। इट इज ऑल्सो रिफर्स टू पीसेस ऑफ वुड और अदर मटेरियल दैट रन बिटवीन वॉल्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपका कह रहा है कि इसमें हम लोग वुड का भी पीस यूज करते हैं, किसके बीच में, वॉल्स के बीच में। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हर्टिंग क्या होती है। अब हम लोग हर्टिंग के बारे में जानेंगे कि हर्टिंग क्या होती है। हर्टिंग का डिफिनेशन आपको दिया हुआ है, दिस मटेरियल यूज एज फिल बिटवीन वॉल्स ऑफ ग्रेटर स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी स्पेशली इन मेसनरी द मेसन्स यूज रबल फ्रॉम देयर ट्रिमिंग ऑफ द फेस रॉक एज सम ऑफ द हर्टिंग फॉर इट वॉल। क्या कह रहा है आपका कि ये जो आपका फेस बना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, मौसम के बाहरी कॉन्टैक्ट में है, ये वाला जो वॉल आपका है ये आपका अंदर वाले कॉन्टैक्ट में है। तो कहता है कि फेसिंग और बैकिंग के बीच में, ठीक है, कुछ बीच वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका स्टोन्स वगैरह यूज हो रहा है उसके बारे में आपका कह रहा है कि इसको हम लोग कैसे लेते हैं, आपका रॉक से मिलता है स्टोन, उसको हम लोग ट्रिमिंग करके यूज करते हैं। फिर आ गया आपका कॉर्नर शेप, कि कॉर्नर शेप क्या होता है। अ कॉर्नर स्टोन इज अ कॉमर्शियल मेजनरी स्टोन सेट इन प्रोमिनेंट लोकेशन ऑन आइट साइड आउटसाइड ऑफ अ बिल्डिंग। देयर इज ऑप्टेन एज इनक्रिप्शंस ऑन द स्टोन। ओके, द कंस्ट्रक्शन डेट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द नेम ऑफ ओरिजिन बिल्डर्स और अदर सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल। देखिए बेसिकली क्या हुआ, मान लेते हैं कि इस टाइप का आपका क्या है, दीवार है एक, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक ये दीवार है, यहाँ से आपका इस तरीके से बिल्डिंग गया, ठीक है, यहाँ से आपका एक ये वाला पोर्शन हो गया, और यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि हमारा एक साइड वाला पोर्शन हो गया। तो आर्किटेक्चर जो आपका वर्क कर रहा है, इस अकॉर्डिंग कर रहा है कि आपका जो क्या है ये इस टाइप से और एक इस टाइप से गया है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, आपका जो ये वाला पोर्शन हुआ जहाँ से आपका ये जो है टर्न हो रहा है दो साइड आपका स्ट्रक्चर, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, कॉर्नर कहलाता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब इधर से ही आप देख लीजिए, ये भी फेसिंग होगा, ये भी फेसिंग होगा, क्योंकि ये जो भी स्ट्रक्चर आपका यहाँ से बन रहा है, ठीक है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपका क्या है, यहाँ से ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपका फेसिंग कहलाएगा। आपका फेसिंग इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट मौसम के कॉन्टैक्ट में है आपका, ठीक है, लेकिन इसके पीछे वाला पोर्शन आपका मौसम के कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, बैकिंग, और ये वाला पोर्शन आपका फेसिंग कहलाएगा, और ये साइड वाला जो कॉर्नर है आपका, ठीक है, ये आपका कहलाएगा कॉर्नर ऑफ स्टोन। तो आई होप आपको फेसिंग, बैकिंग, हर्टिंग और कॉर्नर ऑफ स्टोन ये सब के बारे में एक आइडिया मिल गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब जो स्टोन हम लोग यूज कर रहे हैं उस स्टोन से आपका कैसे बिल्डिंग, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बिल्डिंग कैसे बनता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्टोन में क्या कह रहा है कि मेसनरी कंस्ट्रक्शन दैट यूजेज स्टोन एंड मोर्टार। मेसनरी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है आपका, स्टोन और मोर्टार का यूज करते हैं हम लोग। द कंस्ट्रक्शन टेक्निक इज यूज फॉर बिल्डिंग फाउंडेशन फ्लोर्स रिटेनिंग वॉल आर्चेज वॉल्स एंड कॉलम्स। क्या कह रहा है कि इस कंस्ट्रक्शन टेक्निक में आपका और क्या क्या यूज होता है, बिल्डिंग का फाउंडेशन, ठीक है, फ्लोर,
रिटेनिंग वॉल्स, आर्चेज, ओके, और वॉल्स एंड कॉलम, ये सब आपका यूज होता है। द स्टोन यूज फॉर मेसनरी कंस्ट्रक्शन आर नेचुरल रॉक्स, जो हम लोग स्टोन यूज कर रहे हैं मेसनरी कंस्ट्रक्शन में वो कौन सा है आपका, नेचुरल रॉक्स है। नेचुरल रॉक्स में आपका कौन कौन सा आता था, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। इसी सब रॉक से आपका क्या होता है, स्टोन बन लिया जाता है, स्टोन बनाया जाता है कब, प्रॉपर कटिंग और ट्रिमिंग के बाद। द नेचुरल स्टोन रॉक्स आर कट, क्या किया, नेचुरल स्टोन जो आपको मिला उसको हम लोग क्या किए, वहाँ से कट किए, काटे, एंड ड्रेस्ड इन टू प्रॉपर शेप इन ऑर्डर टू यूज इन मेसनरी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम लोग क्या किए कि हम अब उसको एक प्रॉपर शेप में, जैसे मान लीजिए आपका ये डायरेक्ट नहीं है रॉक, आप रॉक के फॉर्म में है, ये इस टाइप से है, तो इसको हम लोग क्या किए, साइड साइड से इस तरीके से एक प्रॉपर वे में, जो कि हमको एक सही शेप दे सके, इसको यहाँ से क्या किए, कट किए, तब जाके आपको ये फॉर्म मिला। तो इसी वही कह रहा है आपका कि इसको मशीनरी के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए, यूज के लिए एक प्रॉपर शेप देते हैं। स्टोन आर वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल, स्टोन आपका क्या है, ज़्यादा टिकाऊ होता है, एंड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल, और आपका कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल है। स्टोन आपका क्या है, एक बिल्डिंग मटेरियल ही तो है, जिसके यूज से हम लोग बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। द मटेरियल एंड द टाइप ऑफ स्टोन मेजनरी कंस्ट्रक्शन आर ब्रीफली एक्सप्लेन्ड, कहता है कि आपका जो स्टोन है, ठीक है, स्टोन मेजनरी करते हैं, उसको ब्रीफली कंटेंट आपका एक्सप्लेन किया है कि मटेरियल यूज ऑफ स्टोन मेजनरी में पहला स्टोन, और दूसरा हम लोग क्या यूज करते हैं, दूसरा हम लोग मोर्टार यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द मटेरियल यूज फॉर स्टोन मेजनरी आर स्टोन एंड मोर्टार। तो सबसे पहले स्टोन के बारे में जानते हैं, द स्टोन आर यूज फॉर मेसनरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्टोन का हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, मेसनरी कंस्ट्रक्शन में। मेसनरी आपका, आपका क्या बताए थे आपका, जब क्या कर रहे हैं, मोर्टार के साथ आप लोग क्या करते हैं, मोर्टार के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, मोर्टार के साथ बॉन्ड करते हैं किसको, या तो स्टोन को, ब्रिक को, ठीक है, किसी भी चीज़ का जब हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग इस टाइप से, मोर्टार फिल किया, यहाँ पे मोर्टार फिल किया, फिर यहाँ पे स्टोन दिया, फिर यहाँ मोर्टार, फिर स्टोन, तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, एक दूसरे का से बॉन्ड बना रहा है, वही आपका मेसनरी कहलाता है। ये क्या कहता है आपका, मस्ट बी हार्ड, टफ एंड फ्री फ्रॉम क्रैक्स। आपका स्टोन कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, टफ होना चाहिए, ठीक है, यानी सख्त होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए, और क्रैक से फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का दरार नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड होल्स एंड कैविटीज, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का कैविटीज और होल्स, मतलब छिद्र वगैरह नहीं होना चाहिए। स्टोन आपका जो हम लोग कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज करेंगे उसके लिए इसकी कौन कौन सी खासियत हो गई, हार्ड, कड़ा, टफ यानी सख्त, ठीक है, उसके बाद कहता है कि फ्री फ्रॉम क्रैक्स, तो क्रैक्स भी नहीं होना चाहिए, ये सब आपका नहीं होना चाहिए, तभी आप इसको क्या कर सकते हैं, मेसनरी कंस्ट्रक्शंस में यूज कर सकते हैं। मेसनरी कंस्ट्रक्शन में चाहे आप डैम बनाए या आप ब्रिज बनाए, कुछ भी बनाए, वो आपका मेसनरी कंस्ट्रक्शंस के अंदर आपका ये सब होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। द सेलेक्शन ऑफ स्टोन फॉर पार्टिकुलर वर्क इज डिपेंड ऑन द अवेबिलिटी ऑफ द स्टोन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। द कॉमन स्टोन यूज फॉर मेसनरी कंस्ट्रक्शन आर लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, ठीक है, आपका कह रहा है कि जो ज़्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं स्टोन का, वो आपका कौन कौन सा आता है मेसनरी कंस्ट्रक्शन में। वैसे तो स्टोन बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन कॉमन टाइप के स्टोन, वैसे स्टोन जिसको कि हम लोग मेसनरी कंस्ट्रक्शंस में यूज करेंगे, वो आपका होना चाहिए लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, ग्रेनाइट और मार्बल। तो स्टोन में हम लोग जान गए कि स्टोन हम जो कंस्ट्रक्शंस में यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, उसी तरह से मोर्टार के बारे में भी जानेंगे, स्टोन में आपका किस टाइप का स्टोन यूज हो रहा है, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल और लेटेराइट। ओके, तो ये सब आप एक बार रीड कर लीजिएगा फिर से। सेकेंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोर्टार के बारे में पढ़ेंगे। ओके,
मोर्टार क्या कहता है? द बिल्डिंग मटेरियल यूज फॉर मेसनरी कंस्ट्रक्शन इज मोर्टार। कहता है कि बाइंडिंग मटेरियल के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को बांध बाइंड करने के लिए मेसनरी कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या चीज़ का यूज कर रहे हैं? मोर्टार का। सीमेंट और लाइम विथ सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्स ऑफ मेसनरी मोर्टार। जो मेसनरी हम लोग मोर्टार यूज कर रहे हैं उसमें क्या आता है आपका? सीमेंट या लाइम, या तो सीमेंट या तो लाइम। इसमें क्या करते हैं हम लोग? सैंड और वाटर को मिक्स करते हैं। फिर लाइम में भी आपका क्या होगा? सैंड और वाटर को मिक्स करेंगे। ये दोनों ही दोनों आपका क्या है? एक हम लोग पढ़े थे कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोर्टार। और मोर्टार आपका क्या है? एक बाइंडिंग मटेरियल है। इसी बाइंडिंग मटेरियल का जब हम लोग क्या करते हैं, किसी स्टोन या ब्रिक में यूज करते हैं, ठीक है, जब उसको एक स्ट्रक्चर देने के लिए, उसका बॉन्ड बनाने के लिए, तब आपका वो मेसनरी में आ जाता है। तो सीमेंट और लाइम के साथ क्या मिलाया है? वाटर एंड सैंड एंड वाटर फ्रॉम मिक्स फॉर मेसनरी मोर्टार। द मिक्स फॉर्म्ड इज यूनिफॉर्म इन नेचर। द टू मेन फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ मोर्टार फॉर मेसनरी आर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, कलर ऑफ द स्टोन, द लोड कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर। कहता है कि आपका दो मेन फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है जब हम मोर्टार का क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं। मतलब जब हम मोर्टार लेंगे उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? स्ट्रेंथ के हिसाब से। स्टोन का कलर कैसा है? ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा सीमेंट का ही यूज करेंगे, क्योंकि आपका जो स्टोन है वो भी डिफरेंट कलर का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? मोर्टार का चयन करेंगे या उसका चुनाव करेंगे। द लोड्स कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर। जो हम लोग स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, मान लेते हैं इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर बना है कहीं, ओके, तो इस पे जो ऊपर लगने वाला लोड है वो किस टाइप का लोड है उस पे भी डिपेंड करता है। यानी आपको सीधा सीधा कह रहा है कि मोर्टार आपका क्या है? एक पेस्ट है जो कि या तो सीमेंट या तो लाइम में क्या करते हैं? सैंड और वाटर को मिक्स करते हैं। और ये मोर्टार आपका क्या काम करता है? बाइंडिंग का काम करता है। तो हम लोग जो मोर्टार यूज करेंगे वो उसके लिए भी हमको क्या करेंगे? डायरेक्ट मोर्टार आप कोई भी यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ कैसा चाहिए, स्टोन का कलर कैसा है, किस टाइप का स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है। अब जो स्टोन मेसनरी है इसको भी क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है आपका डबल मेसनरी, सेकेंड है आपका एसलर मेसनरी, ओके। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक में आप स्टोन और मोर्टार को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग डबल और एसलर मेसनरी के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है आपका डबल मेसनरी। अब डबल मेसनरी क्या है इसके बारे में देखते हैं, ओके। दिस इज़ द स्टोन मेसनरी टाइप। डबल मेसनरी भी आपका क्या है? स्टोन मेसनरी का टाइप है। वेयर स्टोन एम्प्लॉयड आर आइदर अनड्रेस्ड और रफली ड्रेस्ड, ओके। दीज मेसनरी कंस्ट्रक्शन डू नॉट हैव अ यूनिफॉर्म थिकनेस। द स्ट्रेंथ ऑफ डबल मेसनरी इज डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ मोर्टार यूज्ड, यूज ऑफ लॉन्ग थ्रू स्टोन, प्रॉपर फिलिंग ऑफ मोर्टार बिटवीन द स्टोन स्पेस एंड ज्वाइंट्स, ओके। कहता है कि हम डबल जो मेसनरी है वो आपका स्टोन मेसनरी का ही टाइप है जो कि अनड्रेस्ड और रफली ड्रेस्ड होता है। इसका कोई थिकनेस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे स्टोन है, ठीक है, बड़े टाइप का स्टोन है, ये इस टाइप का भी हो सकता है, ओके, ये इस टाइप का भी हो सकता है, ये क्या होता है, इस टाइप का भी हो सकता है, या हम लोग इसका इस टाइप से कह रहा है कि इसका कोई थिकनेस नहीं है, ठीक है, कि इसका कोई आपका थिकनेस नहीं है, ये अनड्रेस्ड है, मतलब इसको हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से काटे नहीं है। जो इसका स्ट्रेंथ है आपका डबल मेसनरी का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि मोर्टार किस टाइप का यूज कर रहे हैं, उसका क्वालिटी कैसा है उस पे, ठीक है, कि यूज ऑफ लॉन्ग थ्रू स्टोन, किस टाइप का स्टोन आप यूज कर रहे हैं लंबाई के अकॉर्डिंग। जैसे लंबाई आपका इतना है, इतना है, इतना है, कितना है, इस लंबाई के अकॉर्डिंग कहता है यूज कर रहे हैं। प्रॉपर फिलिंग ऑफ मोर्टार बिटवीन स्पेस एंड ज्वाइंट, ये जो इस जो आपका जो ज्वाइंट बनता है इन दोनों के बीच में जो मोर्टार आप फिल किए हैं उस पे भी डिपेंड कर रहा है।
ठीक है, फिर आपको क्या कह रहा है कि रबल मेसनरी कैन बी अगेन क्लासिफाइड। रबल मेसनरी को भी क्या किया है, एक तो आपका स्टोन था रबल और एसलर मेसनरी, इसको भी कहता है कि रबल मेसनरी को भी हम लोग क्लासीफाई कर दिए हैं चार कैटेगरी में। कितने कैटेगरी में? डबल मेसनरी आपका क्लासिफाइड हो गया है चार कैटेगरी में। पहला आपका आ गया है अनकोर्स्ड रबल मेसनरी, ड्राई रबल मेसनरी, पॉलीगन मेसनरी और फ्लिंट मेसनरी। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं कि आपका अनकोर्स्ड रबल मेसनरी क्या है, ड्राई रबल मेसनरी क्या है, पॉलीगन मेसनरी क्या है और फ्लिंट मेसनरी क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कौन सा अनकोर्स्ड रबल मेसनरी। ठीक है, सबसे पहले है आपका अकोर्स्ड रबल मेसनरी। इन कोर्स्ड रबल मेसनरी कंस्ट्रक्शन द स्टोन इन ए पार्टिकुलर कोर्स आर इन इक्वल हाइट। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस टाइप से, ये आपका कोर्स कहलाता है। ये जो लेयर आपको इस टाइप से दिख रहा है ना, यही आपका क्या कहलाता है, कोर्स कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, फिर यहाँ से यहाँ तक का हाइट और यहाँ से यहाँ तक का हाइट, वो क्या कहता है, सब हाइट इसमें आपका इक्वल होगा। द स्टोन हैंस यूज्ड पोजेस डिफरेंट साइज। लेकिन जो हम लोग इसके बीच में स्टोन डाल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक साइज का स्टोन नहीं है, यहाँ छोटा स्टोन दे रखा है, यहाँ बड़े साइज का स्टोन दे रखा है। तो आपका स्टोन कैसा है, डिफरेंट है। यानी आपका ये कोर्स जो है, ये सब कोर्स कहलाता है, इसका हाइट तो सेम होगा, पर यहाँ जो आप स्टोन फिल कर रहे हैं, ओके, स्टोन जो फिल कर रहे हैं आप यहाँ पे, कहता है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। इन दिस टाइप ऑल द कोर्स डू नॉट हैव सेम हाइट। दिस टाइप इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक बिल्डिंग। आपका कोर्स रबल मेसनरी क्या होता है, कहाँ किस कंस्ट्रक्शंस में यूज होता है, पब्लिक बिल्डिंग में, एब्यूटमेंट्स में, एब्यूटमेंट्स आपका ब्रिज का पार्ट है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में मतलब आवासीय घर में, पियर्स में, पियर्स भी आपका क्या है, ब्रिज में आता है जो कि कॉलम का वर्क करता है ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिज। तो ये सब आप, इन सब चीज़ों में आपका कौन सा मेसनरी यूज होता है, तो कोर्स्ड रबल मेसनरी। ओके, ये देख लीजिए आप इस टाइप का, इसका सेक्शन दिखाया है, इस टाइप से भी दिखाया है कि आपका क्या है, सब जगह कि कोर्स सेम है पर डिफरेंट साइज के हैं। अनकोर्स्ड रबल मेसनरी, नाम से ही पता चल रहा है कि कोर्स वाले में क्या था, आपका एक लेयर बना हुआ था जिसका इक्वल हाइट था, बट इसमें जो हम स्टोन फिल कर रहे थे वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर के थे। बट अनकोर्स्ड रबल मेसनरी में क्या होगा, आपका कोर्स्ड ही नहीं होगा। ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एन अनकोर्स्ड रबल मेसनरी इज द चीपेस्ट एंड रफेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोन मेसनरी। ओके, कंस्ट्रक्शन, दीज कंस्ट्रक्शंस आर यूज स्टोन ऑफ वेरिड शेप एंड साइज। द स्टोन आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम क्वेरी कॉल्ड एज अनरेस्ट स्टोन ब्लॉक्स। अनरेस्ट स्टोन ब्लॉक्स क्या हुआ, जैसे आप रॉक का क्या करते हैं, खनन करते हैं, पत्थर आपको कहाँ से मिलता है, खनन करके लाते हैं, तो वो क्या होता है, उसका कोई शेप साइज नहीं होता है, वो अनरेस्ट कहलाता है। डायरेक्ट आप गए और क्या किए कि वहाँ से आप पत्थर का खनन करके आप ले आए क्वेरी करके, वो आपका अनरेस्ट स्टोन ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है, द कोर्स इज नॉट मेंटेन रेगुलरली इन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये इस टाइप वाले जो आपका होगा स्टोन्स, जिसका कोर्स नहीं है, कोर्स में क्या हुआ, इसका कोई कोर्स जो है मेंटेन नहीं रहता है। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, इनिशियली लार्ज स्टोन आर लेड फर्स्ट द स्पेस बिटवीन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपका लार्ज स्टोन है उसको पहले यूज कर लेते हैं, उसके बाद द स्पेस बिटवीन देम फील्ड विथ स्पेल और स्निक। दिस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रैंडम स्क्वायर अनकोर्स्ड रबल मेसनरी। देखिए, आपका जो डायरेक्ट खनन करके लाया गया, इसका कोई जब डिजायर्ड शेप और साइज ही नहीं होगा, तो इसमें क्या होता है, कोर्स हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं, यहाँ किसी भी टाइप का आपको कोर्स्ड नहीं दिख रहा होगा। ओके, तो क्या किया यहाँ पे कि इसके लिए भी क्या किया कि इसको दो टाइप में डिवाइड किया, कि एक रैंडमली हम इसको क्या करेंगे, स्टोन को डाल देंगे,
एक स्क्वायर के लिए है। यहाँ पे जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई देगा, सबसे पहले था कि रैंडम अनकोस्ट रबल मेसनरी। रैंडम मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को आप रैंडमली रख दिया, जैसे आपके पास 10 पेन है, ठीक है, तो आप क्या किए 10 पेन को टेबल पे ऐसे रैंडमली हाथ में लाए और ऐसे रख दिए किसी एक को, उसमें से आपको नहीं पता है कि कौन सा पेन आपका किस कलर का, ऐसे रैंडमली रख दिया, मतलब किसी भी टाइप से, ठीक है। इन दिस वीक द वीक कॉर्नर आर एज ऑफ द स्टोन आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ मेसन्स हैमर। कहता है क्या कि रैंडम अनकोस्ट डबल मेजनरी जो आपका है, इसका कॉर्नर कैसा है, वीक है। एजेज ऑफ स्टोन रिमूव विद द हेल्प ऑफ हैमर्स। जैसे क्या इस टाइप का आपका आ गया मान लीजिए, तो ये जो आपका कोन निकला हुआ है, यहाँ आपका इस टाइप से कोन निकला हुआ है, तो ये क्या कह रहा है आपका कि ये सब जो कोन है आपका, ये वीक पोर्शन का रहता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। किस हैमर्स के हेल्प से, तो मेसन्स हैमर के हेल्प से। एट द क्वाइंस एंड जेम्स बिगर स्टोन आर एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मेसनरी। कहता है क्वाइंस एंड जेम्स जो है बिगर स्टोन में इस तरीके से लेते हैं जिसका कि स्ट्रेंथ आपका कैसा आता है, अच्छा आता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए आपका, अब सबसे पहले आप ये देख लीजिए आपका क्वाइंस एंड जेम्स क्या है। यहाँ पे जो आपको इस टाइप से दिख रहा है, क्वाइंस आपका आ जाता है, जो आपका बाहरी सतह होता है वो क्वाइंस में आता है, और जेम्स इसके कॉर्नर वाले पार्ट को बोल देते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है स्क्वायर अनकोर्स्ड रबल मेसनरी। हेयर द स्टोन्स आर मेड रफली स्क्वायर शेप। जैसे इसका जो शेप होगा आपका कैसा दिखेगा, स्क्वायर में, एंड यूज इन कंस्ट्रक्शन, जिसका कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। द फेसिंग स्टोन आर प्रोवाइडेड अ हैमर ड्रेस्ड फिनिश। इसका जो हम लोग फेसिंग यूज करते हैं, ये देखिए आपको साइड से जो दिख रहा है आपका वॉल, यही तो आपका फेसिंग कहलाया, तो यही इसको जो आपको दिख रहा होगा ये किस टाइप का है, अच्छा दिख रहा होगा, इसका क्या किया, एक प्रॉपर ड्रेस्ड करके इसको फिनिश किया है। लार्जर स्टोन्स आर यूज एज कॉइंस, चिप्स आर नॉट यूज एज बेडिंग। जो लार्जर स्टोन था उसको कॉइन्स में यूज किया, और जो बेकार टाइप का स्टोन्स था उसको हम लोग बेडिंग में यूज नहीं किए। बेडिंग आपका हो गया नीचे वाला जो हम लोग बिछाते हैं लेयर, वो आपका बेडिंग कहलाता है। फिर नेक्स्ट है आपका पॉलीगन रबल मेसनरी। पॉलीगन नाम से ही पता चल रहा है कि आपका ये पॉलीगन फॉर्म में होगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा इसका शेप स्टोन का कैसा है, आपको दिख रहा है पॉलीगन फॉर्म में है। तो हेयर द स्टोन्स फॉर मेसनरी आर रफली शेप्ड इनटू इरेगुलर पॉलीगन। द स्टोन आर अरेंज इन सच अ वे दैट इट अवॉइड वर्टिकल ज्वाइंट्स इन द फेस वर्क। ब्रेक द ज्वाइंट्स आर पॉसिबल यूज ऑफ स्टोन चिप्स टू सपोर्ट द स्टोन। क्या किया यहाँ पे कि स्टोन्स को जो हम लोग यूज किए हैं वो कैसा दिए हैं हम लोग, कैसा आपको शेप में दिख रहा है पॉलीगन में, और स्टोन को इस तरीके से अरेंज किया है जो कि क्या कर रहा है, वर्टिकल ज्वाइंट को अवॉइड कर रहा है। जिस वर्टिकल ज्वाइंट आपका ये है, ये आपका किस टाइप का है, फेस साइड से है, तो इसको अवॉइड कर रहा है। इसके पीछे साइड आप क्या कर रहे हैं, पॉलीगन को और डबल मेसनरी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है, इसको सपोर्ट देने का काम करता है। एक स्पेशल टाइप क्वाइंस जो आपका क्या है, फेस ये वाला पोर्शन ही कहलाता है, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा नॉर्मल से डिफरेंट होता है, उसको एक ऐसा शेप देते हैं जो कि देखने में डिफरेंट हो, और कैसा दे, एक अट्रैक्शन लुक देता है, तो वही आपका जो है क्वाइंस कहलाता है, ठीक है। और इसके पीछे जो आप पॉलीगन स्टोन्स का यूज किए हैं, पीछे बैक पार्ट में, ये क्या कर रहा है, आपके इस वर्टिकल जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब आपका जो है सारे टाइप का मेसनरी हो गया। डायग्राम से देख के आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर है आपका फ्लिंट रबल मेसनरी। ये बहुत ही हल्का आपका स्टोन होता है।
इन एरियाज वेयर फ्लिंट इज अवेलेबल प्लेनिटी अ फ्लिंट रबल मेसनरी इज एम्प्लॉयड. फ्लिंट्स आर इरेगुलरली शेप्ड नूडल्स ऑफ सिलिका. दे आर एक्सट्रीमली हार्ड बट ब्रिटल इन नेचर. जो फ्लिंट टाइप का आपका रबल मेसनरी होगा वो क्या चीज़ से मिल के बना है आपका, उसमें प्रजेंस होता है आपका सिलिका, जो कि जो एक्सट्रीमली, ये वैसे तो ये हार्ड होता है बट ये क्या होता है नेचर का ब्रिटल होता है. ये इतना खोखला टाइप का होता है इस टाइप का कि इस पर जैसे ही आपका लोड लगेगा ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. द थिकनेस ऑफ द फ्लिंट स्टोन वेरीज 8 to 15 centimeters. देयर लेंथ वेरीज फ्रॉम 15 to 30 centimeters. कहता है कि जो इसका थिकनेस है वो 8 to 15 centimeters का है और लेंथ जो है इसका वेरीज करेगा आपका 15 to 30 centimeters तक का. ओके, फिर आपका सबसे लास्ट है ड्राई मेसनरी. ड्राई मेसनरी कहाँ यूज होता है? दीज आर रबल मेसनरी. ये क्या है आपका? रबल मेसनरी है, इस कंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं. परफॉर्म्ड विदाउट यूज ऑफ मोर्टार. ड्राई के नाम से, ड्राई से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, मोर्टार यूज नहीं करेंगे. पूरी तरीके से ये ड्राई होगा, सिर्फ आप वहाँ स्टोन का पार्ट्स को रख देंगे. स्मॉल स्पेस आर फिल्ड विथ स्मॉलर स्टोन पीसेस. इट इज़ यूज पीचिंग द अर्दन डैम्स एंड कैनाल स्लोप्स. आपका जो ये ड्राई टाइप का रबल मेसनरी यूज हो रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है आपका कि आपने क्या किया यहाँ पे, ये देखिए इस टाइप से क्या किया, सिर्फ स्टोन को रख दिए यहाँ पे. यहाँ पे आपको डायग्राम में ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसका स्टोन आपका डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है. तो आपको पता चल रहा होगा ना कि इसका बहुत सारे, इसका कोई शेप और साइज नहीं है, अच्छे से फिनिशिंग नहीं किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है. और ये आपको क्या किया है कि डायरेक्ट स्टोन को यहाँ पे रख दिया है, इस तरीके से अरेंज किया है. इसका कहाँ यूज किए हैं? अर्दन डैम का. जैसे अर्दन डैम जब आप मिट्टी का बांध बना रहे हैं या कैनाल का जो आप स्लोप तैयार कर रहे हैं, वहाँ ये आपका स्टोन यूज होता है, जो कि वाटर को क्या करता है, आपका स्टोर करके रखता है वाटर को. तो ये आपका टोटल स्टोन वाला पार्ट कम्प्लीट हो गया कि जिसमें कि आपका हम लोगों ने क्या पढ़ा था. यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले स्टोन मेसनरी पढ़े, ठीक है, फिर हम लोग फेसिंग पढ़े, फेस के बारे में जाने कि ये जो आपका कांटेक्ट में आ रहा है वेदर के फेस कहलाता है, इसमें यूज किया जाने वाला मटेरियल. हालांकि यहाँ पे तो मोर्टार यूज नहीं किया है कोई मटेरियल, बट जहाँ भी मटेरियल का यूज होगा फेस बनाने के लिए, वो आपका फेसिंग सेम वैसा बैकिंग और दो ब्रिक के, दो स्टोन के बीच या दो वॉल्स के बीच आपका जो पार्ट बच गया है, ठीक है, वो आपका हर्टिंग कहलाता था. फिर आपका क्या था उसके बाद, स्टोन के टाइप्स थे एक रबल और एसलर मेसनरी. रबल मेसनरी में भी जो यूज करते थे हम लोग मेसनरी बना कंस्ट्रक्शंस में, उसमें स्टोन्स को हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट क्वेरी करके लाते थे, फिर कई जगह उसका एक प्रॉपर शेप और साइज देते थे, ठीक है. तो ये आपका स्टोन वाला पार्ट आज कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट में हम लोग बिल्डिंग मेसनरी के बारे में देखेंगे. तो आज का आपका क्लास यहीं तक. थैंक यू.